नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। न्यूज़ बीके की टीम में आज की चुनावी चर्चा में हम पहुंच चुके हैं ग्राम भड़रा में, और इस समय हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह भदौरिया से हुई है, और आज हम इनसे बात करते हैं जो यहां पे जनसंपर्क कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम यहां पे मौजूद है। सबसे पहले हम आपको न्यूज़ बीके में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो आप कौन मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपको क्षेत्र में विकास के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को पता है और पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश को पता है कि समाजवादी पार्टियाँ की जो भी नीतियां हैं, जो भी विकास कार्य हैं, जो भी लोगों की मदद की है, चाहे छात्रों का हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, कुल मिला के कई योजनाएं ऐसी है, किसानों का कर्ज हो, माफी हो, किसानों की सिंचाई मुफ्त हो, मान लो कई योजनाएं ऐसी चलाई नहीं। इसीलिए हम लोग समाजवादियों का जो मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और उन्हीं की दम पे, समाजवादी पार्टी की नीतियों की दम पे, विकास की दम पे हम लोगों के बीच में आए हैं। और शीर्ष नेताओं ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, निश्चित है, हमें विश्वास है, हमारे क्षेत्र के लोग, किसान लोग इस समय बुरी तरीके से परेशान है, कि सरकार के विरोध में सरकार से परेशान है, निश्चित है समाजवादी पार्टी की सभी सीटें जीत। अच्छा, हमारा आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि गांव में अभी क्या क्या विकास होने चाहिए, कहां-कहां कौन कौन से गांव की समस्याएं आपने देखी हैं, जहां पे आपको लगता है कि आप अगर सत्ता में आते हैं या जीत कर आते हैं तो उन लोगों की क्या प्राथमिकता से मदद? जो भी विकास कार्य अभी हैं हम देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, पूर्व में जो हमारी सरकार रही, डॉक्टर सुमैया जी विधायक थी, वही है, अभी तक कोई नए काम नहीं हो रहे हैं। हम लोग जो भी कमियां रह गई हैं आने वाले समय, अभी क्या हालात देखे आपने? हमने नया काम कोई नहीं देखा जब से सरकार आई है, माननीय विधायक जी बिहारीलाल जी का, हमें कोई अभी पत्थर नजर नहीं आया। हम देख के आए हैं कई जगह डॉक्टर सुमैया जी के पत्थर लगे हुए, और कोई भी इस चीज को जरूरी बात नहीं है, बीके न्यूज भी इसकी जाँच करा ले। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय जैसे आप गाँव में गए हैं, किसानों को कौन कौन सी परेशानियों का इस समय सामना करना पड़ रहा है? अब इस समय गर्मियों का मौसम है, यहाँ तो पेयजल है और आवारा जानवर बहुत, अब इस समय फसलें जो भी बच पाई हैं आवारा जानवरों से, वो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो किसान बहुत बुरी तरीके से परेशान है, क्योंकि दिन रात जाग के कैसी फसल पैदा की है वो उचित दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? आपका चैनल हर समस्या उजागर कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, आपके चैनल को हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप अपने लिए क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? हम तो अपने लिए क्या, हम तो जनता के लिए चुनाव के मैदान में आए हैं, बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी का टिकट पा पाए हैं, और हम जो भी राजनीति करते हैं आप लोगों को मालूम है, क्षेत्र के लोगों को मालूम है, हम तो जनता की मदद करने के लिए मैदान में आए हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं, जनता मुझे जिताती है, तो मेरा भरपूर प्रयास क्या है सब जनता जानती है। तो ये थे हमारे साथ में कर्णवीर सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपना पक्ष रखा है, और उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में जो भी विकास हुए हैं, इनका कहना है कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं और इस सरकार में सिर्फ किसानों पर अत्याचार ही हुए हैं। अब देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प होगी कि विधान जिला पंचायत के चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। न्यूज़ बीके पे खबरें आगे और भी जारी है, देखते रहिए न्यूज़ बीके।